2018 रात को मैं अपने घर में सो रही थी और हमारे पिता हमारे भाई घर के बाहर सो रहे थे। मैं हमारी भाभी घर के अंदर सो रही थी एक कमरे में। पुष्पेंद्र को मोनू रात के करीब 12:30 बजे हमारे घर में घुस आया। उसने हमारी चार भाई से मुझे दबोच लिया। उसने मेरे मुंह से दुपट्टा बांध के मुझे चार पाई से बांध दिया और हमारे कपड़े फाड़ दिए। और उसने बलात्कार किए और मैं चिल्ला नहीं सकी। लेकिन मुंह से दुपट्टा ढीला हो गया तो मैं चिल्ला नहीं, तो हमारी भाभी जाग गई। लेकिन भाभी ने जोर मचाया तो उसने भाभी को भी मारा पीटा। और भाभी की आवाज सुन के हमारे पिता हमारे भाई आसपास के चाचा वगैरह अंगद सिंह जगराम सुमित राम सरोवर ये सभी आ गए हमारे घर पे। तो इन लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ने पर भाई ने फोन किया 100 नंबर को। 100 नंबर समय से आई 1 बजे कॉल किया था लेकिन पुलिस वाले आए उसे सौंप दिया था। उसे सौंपने पर जब भाई ने 100 नंबर को फोन किया जब वो लोग आए तो भाई ने फोन से फोटो निकाल ली। उसकी भी फोटो वहाँ है। अब स्कूल क्यों नहीं जा रही? क्या बात है, क्या वजह है उसकी? स्कूल के इंटर के पेपर हमारे छूट गए। हम घर से बाहर नहीं निकल पाते पेपर देने के लिए क्योंकि ये लोग बहुत दबंगई करते हैं। मुझे जहाँ देखो वहीं खेल लेते हैं। कि पुलिस तो पुलिस के पास आप लोग नहीं गए? आप पुलिस के पास गए थे, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी हमारी, पुलिस ने भी साथ नहीं दिया आपको? नहीं दिया। मामले में एसएसपी ने हमारे कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने बताया कि इस मामले की वो जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करवाएंगे। संदीप मिश्र, ईटीवी न्यूज़, इटावा।